सूर्य जी का सबसे मुख्य जो प्रसाद है, जो पसंदीदा भोग प्रसाद है, वह क्या है वह आप बता दीजिए, और उसके बता उसकी बनाने की विधि हमने अपने चैनल पे डाली हुई है, जिसका कि लिंक हम ऊपर दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं उसका लिंक, तो आप लोग वहाँ से पूर्ण विधि देख सकते हैं। राधाष्टमी के दिन, और सब तो लगता ही है, जैसे जन्माष्टमी के दिन माखन मिश्री लगती है ठाकुर को, राधाष्टमी के दिन हर मंदिर में एक अरबी का भोग लगता है, और वो अरबी जो है विशेष प्रकार से बनाई जाती है, जैसा कि हिमांग ने बताया है कि उसकी विधि का एक ऑडियो दिया हुआ है, वीडियो दिया हुआ है श्री हरिनाम प्रेस के चैनल पर ही 2-3 दिन पहले लगाया है, उसे आप देखिए, उसे लाखों लोगों ने देखा है, आप भी देखिए, उसमें विधि दी हुई है, और वो यदि सही प्रकार से बन जाए तो वो एक पक्का प्रसाद होता है जो 10 दिन तक 15 दिन तक भी खराब नहीं होता है। हालांकि हम जब घरों में बनाते हैं तो उसमें वो चीज़ शायद नहीं आ पाती है, वृंदावन में जो विशिष्ट हलवाई है वो उसे 3 दिन पहले से बनाना शुरू करते हैं, उसको दही में डालते हैं, फिर घी में उबालते हैं, फिर जाने क्या क्या उसका प्रोसेस करते हैं कि अरबी का जो एक सब्जी तत्व है वो ख़त्म हो के जैसे फल और ड्राई फ्रूट हो जाता है ना, वो ड्राई अरबी हो जाती है, जैसे सेब, जैसे किशमिश है वो अंगूर का ही सूखा रूप है, जैसे वो खुरमानी आती है तो आलू उसका क्या बोलते हैं उसको, जो एक फल है उसका ही सूखा हुआ रूप है, तो अरबी के इतने ट्रीटमेंट करते हैं कि अरबी सब्जी से सूखी अरबी जैसी बन जाती है, ड्राई फ्रूट जैसी बन जाती है, तो उसका बनाते हैं, वो बहुत स्वादिष्ट होता है, और प्रिया जी को विशेष रूप से वो भोग लगता है, बरसाने में लगता है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वृंदावन के हर मंदिर में प्रिया जी को अरबी का भोग लगता है, और शॉर्टेज रहती है उसकी, मिलता नहीं है, पहले से ऑर्डर बुक करा दिया जाता है, और बहुत महंगा मिलता है, उसमें देशी घी में बनता है, तो आप भी उस विधि को देखिए, और हो सके तो किलो आधी किलो अरबी जैसी बने वैसी बना के ठाकुर को भोग लगाइए और वितरण कीजिए, और पक्की बन जाए यदि वो ड्राई हो जाए पूरी तरह से अंदर से, तो 10 दिन रखा रहे तो भी ख़राब नहीं होगा, उसे स्नैक्स की तरह से प्रयोग किया जा सकता है, परम सात्विक है, परम स्वादिष्ट है, प्रिया जी को भोग लगाइए।